आपका नाम? उर्मिला देवी। आप कहाँ से आई हैं? पीलीभीत जिले से। आप हमारा आने का मुख्य कारण ये है, मैं सात अध्यापक थे और सात अध्यापक का हमें मतलब पद लेने आए हैं बस। शायद अध्यापक थे हम और शायद अध्यापक हमें पद चाहिए अपना अपना वापस, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम जाएंगे नहीं यहाँ से। और सरकार हमारे साथ बहुत सलाबा कर रही है, इतने इतने झूठे वादे किए हमें, दो महीने हमारा समाजन रद्द मतलब हो गया, तब से इतने झूठे झूठे वादे किए और हमारा 40,000 मानदेय वेतन था और हमारा मानदेय करा 10,000, और सरकार उनकी इतना झूठी बोलती है कि 3,500 से हमने 10,000 कर दिया, जबकि 40,000 से 10,000 मानदेय हमारा करा। अब जब हम स्कूल में बताओ कौन हिसाब से जाएं, हमारा वहाँ मान सम्मान नहीं कुछ नहीं, हमारे जो सहायक दाग पत्था हमें शिक्षा मित्र बना दिया, अब बताओ हम किस हम स्कूल में जाएंगे भी तो हम गिरी नज़र से सब और अध्यापक जो हैं स्कूल में वो नीचे नज़र से हमें देखते कि हमें जाने से इससे क्या फ़ायदा, इससे हमारा मर जाना अच्छा है, इसे हम मरी जाए हमें मौत दे दी जाए प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, इतने झूठे झूठे वायदे करते हैं कोई, और इतने हमारे इनने जब हमारा लखनऊ में धरना हुआ था तो इनने कहा कि हम तुम्हारी मतलब आप लोगों की सब मांगे पूरी करेंगे, और उसके बाद भी हमारे जो प्रदेश के नेता लोग हैं इनसे बिना पूछे सब कुछ साधना दे हमारा 10,000 मानदेय का जारी कर दिया। बताओ हमारे सरकारी जो पद था हमारा और मानदेय हमारा मन मानदेय के लिए हमारा जो पद शिक्षा मित्री के लिए हमारे लिए तैयार करा मानदेय वाला, तो हम क्यों लें जो हमारा सरकारी पद था हमें वो ही चाहिए, हम जब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारा मतलब मांगे पूरी नहीं होंगी। जब चुनाव हुआ था आपको आश्वासन दिया गया था, क्या आश्वासन दिया गया था? यही दिया था तो इनने जो अमित शाह हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनने अमित शाह ने कहा कि इनकी शिक्षा मित्री जो हमारा जो कोर्ट मामला था तो इनने यही कहा था कि इनकी जो समस्याएं उलझी हुई हैं जो कोर्ट में, इनकी समस्याएं हम सुलझाएंगे 3 महीने में, हम तीन ही मतलब सही तरीके से सुलझाएंगे, तो हमारी मान ये समस्याएं कहाँ भाई सुलझी, ये तो उलझ गई हैं, और हमारा सारी जो सरकारी हमारी नौकरी थी वो तो और मानदेय जो लोग कर रहे हैं तो कहाँ की हमारी सुलझी है, ये तो उलझा दी है हम लोगों को उलझा दिया है। अब बताओ हमारे इतने इतने बड़े बच्चे हैं और कह रहे पढ़ो पढ़ो हम पढ़ने फिर, और हमारी जबकि योग्यताएँ पूरी हैं हमारी बी ए बी टी सी हम लोग सब पूरे हैं, तो बताओ और आधी उम्र हमारी हो गई हमारे बच्चे पढ़ाए कि हम पढ़ें, बताइए पूरी हमारी योग्यताएं, जबकि हमारी पूरी योग्यताएं हैं, जब हम लोग लगे थे हमारी पूरी योग्यताएं थी, इतना तक बीटीसी हम लोग हैं सब। अभी आपने उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाई थी, अधिकतर शिक्षा मित्रों ने घर घर जाकर बीजेपी का प्रचार किया था, तो आज आप अपने आप को कहाँ नजर आ रहे हैं? अब हमने इसी उम्मीद से इनको सरकार बनाई कि हमारी जो समस्याएं है वो सुलझेंगी, इसीलिए हमने इनके सरकार बनाई कि हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री भी हैं प्रधानमंत्री भी हैं, हमारी समस्याएं जो है हमारी सुलझेंगी, इनने तो हमारी सुलझाई का और हमें तो और नीचे गिरा दिया।